हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राज हिंदू हिंदी एजुकेशन। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप दही से कैसे रेसिपी बनाएं, यानी दही से आप पनीर कैसे बनाएं। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा, इतना मुलायम रेसिपी दही से बनाने की ट्रिक हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी और सॉलिड ट्रिक है। आप दही से पनीर कैसे बना सकते हैं वो आपको हम लाइव प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चले शुरू करें। बनाने का तरीका है वो अन्य रेसिपियों से काफ़ी हटके। मुझे उम्मीद है कि आपकी रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वे नई नई रेसिपियाँ जो डेयरी वाली है या हलवाई वाली है, होटल वाली, आपके साथ शेयर कर सकूं। फिलहाल इस रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दूध गर्म करेंगे। तो ले लेंगे एक भगोना और इसमें डाल देंगे आधा लीटर जितना दूध। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप नॉर्मल कोई भी दूध ले सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 पाव यानी कि 750 ml जितना पानी, क्योंकि जो हमको पनीर बनाना है वो ना तो हमें दूध से बनाना है और ना ही हमें दही से, सिर्फ उसी पानी से बनाना है जो इसमें हम ऐड करेंगे। अब इस दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे लगभग 1 उबाल आने तक। दूध 1 उबाल आने तक गर्म हो चुका है, तो अब इसको हम एक बड़े से भगोने में निकाल लेंगे जिसमें कि इसका हम दही जमाएंगे। अब दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है, यानी कि दही जमाने के लिए परफेक्ट हो चुका है। इसको हम छूकर चेक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो दूध है उसे हम लगभग 30 सेकंड तक सिर्फ छू सकते हैं, उसके बाद वो इतना गर्म है कि लगभग हमको हाथ हटाना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लगभग हम 3 टेबल स्पून जितना दही डालेंगे, और वो भी चारों तरफ डालेंगे ताकि जो हमारा दही है वो आसानी से जम जाए। अब इसको हम ढक देंगे और लेंगे हम इस तरीके का एक गर्म सा कपड़ा या कंबल, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। और अब इसमें रख देंगे हम दूध को और इस तरीके से इसे हम बंद कर देंगे ताकि जो दूध की गर्मी है वो बाहर ना निकले और दही आसानी से जम जाए। अब इसको हम ऐसी जगह रख देंगे कि कोई भी दूध को लगभग 2 दिन तक छुए ना, यानी कि लगभग 48 घंटे तक कोई भी इस दही को या दूध को बिल्कुल भी टच ना करे, क्योंकि जो मैंने दूध में पानी डाला है वो मुझे थोड़ा सा खट्टा करना है, इसीलिए इसे 48 घंटे कम से कम बाहर जरूर रखें। अब 48 घंटा हो चुका है, ये देखिएगा दही हमारा नीचे रह गया है और जिसका मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था वो सब इसमें ऊपर आ गया है। बस यही पानी हमें यूज करना है जो इसके ऊपर आया है, इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था। अब इसको एक साइड कर लेंगे और लेंगे हम इस तरीके का एक बड़ा सा बर्तन और इसमें लगा देंगे इस तरीके की हम एक बड़ी सी चलनी, और अब रखेंगे इस पर हम इस तरीके का एक दुपट्टा। जी हाँ, ये इजीली घर में मिल जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको वैसा कपड़ा तो मिलेगा नहीं जैसे पनीर बनाया जा सकता है। और अब जो मैंने दही जमाया था वो इस कपड़े में निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे इस दही का सारा पानी बाहर निकाल लेना है। ये देखिएगा इस बर्तन में आ गया है इस दही का लगभग ज़्यादा पानी, फिर भी इसमें अभी भी पानी निकल रहा है, तो मैं एहतियातन थोड़ा सा पानी दूसरे बर्तन में भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब हम पनीर बनाते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि इसमें कितना पानी लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बनाकर ही रखें, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। फिलहाल इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब मैं इस पानी को चख लेता हूँ। अभी पानी हमारा अच्छी तरीके से खट्टा हो चुका है, तो उम्मीद है इतने से जो है 2 लीटर दूध से आसानी से पनीर बन जाएगा। और ये जो बचा हुआ दही है इसको एक भगोने में निकाल लेंगे। इसका आप चाहे तो कढ़ी बनाइएगा या आप रायता बनाइएगा, दही बहुत ही अच्छा है, आप इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इस बचे हुए पानी को भी हम एक साइड कर देंगे और फिर से ले लेंगे एक हम बड़ा सा भगोना, और अब इसमें डालेंगे हम दूध। मैंने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसका अगर आपको SNF और फैट देखना है तो वो देख लीजिएगा आप। और अब इस सारे दूध को इस भगोने में निकाल लेंगे। अगर आप लो फैट वाला दूध लेंगे तो उससे पनीर भी बिल्कुल नहीं निकलेगा और अच्छा पनीर भी नहीं निकलेगा। अब मैंने ये दूध सिर्फ इसलिए लिया है कि आप लोग कहते थे सर पैकेट वाले दूध का पनीर बनेगा या नहीं बनेगा, तो बस मैंने ये दूध यूज़ कर लिया है और देखते हैं इससे कितना पनीर बनेगा, वो भी मैं आखिरी में आपको तौल कर दिखा दूंगा। अब इस दूध को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, तो इसके लिए गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इस पर दूध रख देंगे। इसे हमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करना है, सिर्फ 1 उबाल आ जाए तुरंत आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि पनीर बनाने में सिर्फ दूध का प्रयोग होता है, ना इसमें ज़्यादा गैस लगती है और ना ही कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इसे हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि दूध जो है तले में ना लगे। अब दूध में उबाल आने वाला है, लीजिए दूध में उबाल आ भी गया है, तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ना इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा देर इसमें ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा। और अब हम इसी गैस पर जो मैंने दही से पानी निकाला था उसको रख देंगे गर्म होने के लिए। हम यहाँ पर लगभग 1 गिलास जितना पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा है तो हल्का सा कम खट्टा हो जाएगा।
और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे हम एक्स्ट्रा बाद में मिलाने के लिए रखेंगे अगर पनीर इत्तेफाक से नहीं फटता है तो। अब इसको हम चख लेते हैं एक बार। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट खट्टा है पनीर फाड़ने के लिए। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखेंगे। और अब इसको हम एक साइड निकाल लेंगे और अब चलते हैं हम पनीर फाड़ने की तरफ। और इस पानी को निकाल लेते हैं एक हम गिलास में ताकि डालने में आसानी रहे। और अब इस पानी को डालेंगे हम इस पनीर के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पानी को सिर्फ इस तरीके से डालना है, ना कि डायरेक्ट इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो एक जगह तो पनीर ज़्यादा सा फट जाएगा और बाकी के जगह पनीर फटेगा नहीं, तो जिस जगह ये पनीर फट जाएगा वो एकदम से टाइट हो जाएगा और जिस जगह नहीं फटेगा वो बिल्कुल ढीला रहेगा, तो इससे आपका पनीर अच्छा नहीं बनेगा, ये आसानी से फटता जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना है अगर आपको लग रहा है कि इसे फाड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, यानी कि बार बार ये हम डाल रहे हैं और इसमें जो है दूध बना रह रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिएगा। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सर ये खट्टा होगा या नहीं होगा, तो खट्टा बिल्कुल नहीं होगा। खट्टा तभी होगा जब इसमें आप पानी खटास वाला डालते रहें और दूध आपका फट ही ना रहा हो। तो दूध आपका नहीं फट रहा हो तो सिर्फ आप पानी को गर्म करें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें, दूध एकदम से आपका सेपरेट हो जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर दूध आपका ज़्यादा ठंडा हो गया तब भी इसे फाड़ने में बहुत दिक्कत होगी, तो दूध सिर्फ 10% ही ठंडा हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप ठंडा ना करें। जैसे ही आपका खट्टा पानी गर्म हो जाए बस आप इसे तुरंत फाड़ लें। अभी आप देख रहे होंगे कि दूध फटने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने बचा हुआ पानी था उसे इस पानी में हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद इस पानी को हम डालेंगे तो बड़ी आसानी से जो हमारा दूध है वो सेपरेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ, यानी कि डेयरी वाले टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, जब भी आप कलछल से पनीर को चलाएं यानी कि फाड़ें, तो उसे आप एक ही दिशा में चलाएं, दोनों दिशा में बिल्कुल ना चलाएं, नहीं तो क्या है जो हमारा पनीर है वो टूटने लगेगा। टिप नंबर 2, पनीर को आप किसी के भी पानी से फाड़ें, पानी को आप गर्म जरूर कर लें, नहीं तो आपको पनीर फाड़ने में बहुत दिक्कत होगी और होगा क्या, जो आपका पनीर है वो खट्टा हो जाएगा और स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा और उसको जमाने में भी बहुत दिक्कत आएगी, पनीर सॉफ्ट भी नहीं बनेगा और सॉलिड भी हो जाएगा। टिप नंबर 3, पनीर को आप धीरे धीरे सेपरेट होने दें, ऐसा ना करें कि एकदम से आप जो है खट्टा पानी डाल दें और तुरंत पनीर को फाड़ दें, इससे भी आपका पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा। टिप नंबर 4, अगर पनीर आपका नहीं फटता है तो पानी को आप फिर से थोड़ा सा गर्म कर लें और हल्का सा जो खट्टा पानी है वो उसमें फिर से ऐड कर दें, अगर कुछ भी ना बचा हो तो उसमें एक नींबू ऐड कर दें, उसके बाद आप पनीर को फाड़ें, पनीर बड़ी आसानी से फट जाएगा और आपका सॉफ्ट पनीर बनेगा। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर लगभग सारा पानी यूज कर लिया है, जितना भी मैंने दही का निकाला था बस थोड़ा सा पानी बचा है। फिलहाल जो हमारा पनीर है वो एकदम से अलग हो चुका है और पानी अलग हो चुका है, तो अब इसको हमें क्या करना है, एक कपड़े में निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ले लेंगे हम इस तरीके का एक बड़ा सा भगोना और फिर से लेंगे हम वही चलनी और अब इस पर हम बिछा देंगे कपड़ा। कपड़ा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वाइट लेना है, ऐसा कपड़ा नहीं लेना है जो कलर छोड़ दे। अब इस कपड़े को हम इस पर बिछा देते हैं और जितना भी पनीर मैंने बनाया था वो सब इस कपड़े में निकाल लेते हैं और अब इसको हम इस तरीके से बांध लेंगे और इस तरीके से इसे हम घुमाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जितना अच्छे तरीके से आप घुमाएंगे उतना ही पनीर आपका मोटा बनेगा और जितना आप कम घुमाएंगे उतना ही पनीर आपका पसर जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हमें घुमाते रहना है। अब इसे मैंने ज़्यादा ज़्यादा घुमा दिया है तो पनीर इतना ही मोटा बनेगा, थोड़ा सा बस पतला और होगा। और अब इसके ऊपर रख देंगे हम चॉपिंग बोर्ड, ये नहीं है तो कोई भी आप प्लेन बर्तन रख सकते हैं, और इसके ऊपर रख देंगे हम ये पानी। ये पानी उतने ही वजन में है जितना कि मैंने जो है पनीर बनाया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 लीटर दूध का पनीर बना रहा हूँ तो लगभग 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम के बीच में इसके ऊपर हम वजन रख सकते हैं। फिलहाल मेरे यहाँ पर चटनी पीसने वाला जो है सिलबट्टा है तो वो इसके ऊपर रख देता हूँ। अब इसको ऐसे ही हम पकड़े रखे रहेंगे, अब इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में क्या है, ये सिलबट्टा आराम से इस पर सेट हो जाएगा, फिर इसको हमको पकड़ के नहीं बैठना है। अब इसको हम लगभग 35 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो हमारा पनीर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया कि जब भी आप इस पर वजन रख दें तो पनीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं और पूरे वजन को इसके ऊपर प्रेशर के साथ ही रखा रहने दें, उसको ना फैलाएं ना इधर उधर आप ऊपर नीचे करें, जैसा है वैसे ही आप सेट हो जाने दें एक बार में ही, नहीं तो जो है पनीर को जमाने में बहुत दिक्कत होगी। 35 से 40 मिनट हो गया है, आप पनीर को खोलकर चेक कर लेते हैं। और अब इस तरीके से हम पनीर से कपड़े को हटाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें जरूर कर लेना है ताकि जो पनीर से कपड़ा है वो आसानी से छूट जाए। अब इसको हम इस तरीके से छुटा लेंगे और अब पनीर को हम हाथों पर ले लेंगे। अगर पनीर आप ज़्यादा बनाते हैं 10 या 15 किलो तो एक बड़े से बर्तन पर लें
ताकि इसे पलटने में आसानी रहे। ये देखिएगा पनीर कितना व्हाइट बना हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी भी है। फिलहाल मैं इसे काट के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से कट रहा है और कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट बना है। मुझे तो जो मैं नॉर्मल तरीके से पनीर बनाता हूँ उससे भी स्वादिष्ट मुझे इस तरीके का पनीर लगा। अब ये पनीर हमने काट लिया है तो इसका वजन भी हमें बढ़ाना है मार्केट के तरीके से, तो इसे डाल देंगे पानी के अंदर। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो पानी लेना है वो एकदम से चिल्ड लेना है, जिससे क्या है जो पनीर है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 किलोग्राम अगर आप पनीर बनाते हैं तो लगभग उसका वजन 6 किलोग्राम 500 ग्राम तक हो जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पनीर जो डेयरी वालों को है वो 200 रुपये किलो से कम में पड़ता है। इसको लगभग हम आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग।